सुप्रभात, यह है आज का विचार। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दो। स्वाद छोड़ा तो तन को फायदा, विवाद छोड़ा तो संबंधों को फायदा। आइए अब डालते हैं न्यूज बुलेटिन की खास हेडलाइंस पर एक नजर। 1700 करोड़ का लोन लेने की तैयारी है, 1700 करोड़ लेने की तैयारी में सरकार। पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। गगन एयरपोर्ट पर उतरेंगे इंडिगो के विमान। जी हाँ, गगन एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान अब उतरेंगे। कब से उतरेंगे, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। हिमाचल में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट है, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSA न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के अटकलों के बीच विमानन कंपनी इंडिगो ने कांगड़ा जिला के लिए नई उड़ान शुरू कर दी है। विमानन कंपनी इंडिगो का पहला विमान रविवार को राजधानी दिल्ली से सुबह 6:40 पर उड़ान भरेगा और 8:25 पर गगल एयरपोर्ट पर उतरेगा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कथेड़ में पहला क्रिटिकल केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कथेड़ में नवनिर्मित क्षेत्रीय अस्पताल के साथ जगह का चयन कर दिया है। सेंटर में अलग से लेबोरेटरी भी तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 10 दिन के भीतर दूसरा बड़ा लोन लेने जा रही है। सरकार ने 1700 करोड़ का लोन लेने के लिए देर शाम नोटिफिकेशन जारी कर दी। इससे पहले गत 15 मार्च को ही राज्य सरकार ने 1500 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में SDM देहरा संकल्प गौतम ने चैत्र नवरात्रि के शुभ मौके पर शीश नवाया। इस अवसर पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी और नवकालिया ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई और मां के दरबार में हाजिरी लगवाई। हिमाचल के ऊना जिला की हरोली पुलिस ने गांजा की खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने टहलीवाल बाथड़ी रोड पर दो युवकों से 1.400 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बिहार के बक्सर जिला के शंतावर के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी फिर से डराने लगी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 100 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 354 हो गए हैं। 31 दिसंबर को कोरोना मुक्त हो चुके हिमाचल के लिए ये आंकड़ा अच्छा संकेत नहीं है। सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने के लिए संकल्पबद्ध हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग ने प्रदेश की सहकारी सभाओं को बहुउद्देश्यीय सेवा प्रदाता बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सामान्य सेवा केंद्रों यानी लोकमित्र केंद्रों में उपलब्ध होने वाली लगभग 300 सेवाएं अब प्रदेश की सहकारी सेवाओं के सहकारी सभाओं के माध्यम से आमजन को मिल सकेंगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस थाना झागड़ी के तहत आने वाले बधाल में परिवहन निगम की बस में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये व्यक्ति रिकांगपियो से रामपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल के ऊना जिले के तलाई में नेशनल हाईवे 503A पर श्रद्धालुओं से भरा एक टेम्पो नियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकरा। इस घटना में लगभग 15 लोग घायल हुए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रीजनल अस्पताल ऊना लाया गया। सभी घायल पंजाब के कपूरथला के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में चारू कैसल फाउंडेशन गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है। इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में 15 देशों के 22,000 से ज्यादा छात्रों की बेस्ट पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।